हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बताने वाली हूँ आपको पुराने दुपट्टों का हम किस तरह से दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। आइडियाज बहुत सारे हैं, आपको जरूर पसंद आएंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देख लेते हैं अपना पहला आइडिया। इसके लिए एक दुपट्टा लिया है मैंने, पहले उसकी ना लेस निकाल कर हम अलग कर लेते हैं। इसके चारों साइड में लेस लगी हुई है। आपको मैं एक बात बताऊं, दुपट्टे के ऊपर जो लेस लगी हुई होती है ना, किसी भी दुपट्टे के ऊपर, उसे निकाल कर रख लिया करें, बहुत जगह काम आती है। उसके बाद हमने दुपट्टे को एक बार फोल्ड किया और एक बार और करना है। अब जितना हमें कपड़ा चाहिए ना लेंथ के लिए, पहले उसे कट करके हम अलग निकाल देते हैं। इधर तक मुझे इसकी 15 इंच लेंथ चाहिए तो मैंने निकाल कर अलग कर लिया। अब हमें तीरा के लिए निशान लगाना है, तो इधर से मैं लगा रही हूँ 7 और इधर से भी मैं 7 इंच पर। अगर आप इस हिसाब से निशान नहीं लगा पाते हैं तो आप कोई भी सिली हुई कुर्ती रखिए और जो सिलाई लगी हुई होती है ना कुर्ती की, उससे 1.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लीजिए। जैसे मैंने इधर से 10 लिया और इधर से 10, अब इन निशानों को आपस में मिला देंगे। इधर हल्की सी हम गोलाई दे देंगे और ये हमें कपड़ा कट कर लेना है। इसमें निशान लगाना कोई ज़्यादा झंझट वाला काम नहीं है। आप कपड़े के ऊपर कोई भी सिली हुई कुर्ती रखकर आसानी से निशान लगा सकते हैं और लेंथ जितनी चाहिए उतनी रखिए। अब दोनों पीस हम अलग अलग कर लेते हैं कट करके, और गले हम काटेंगे अलग अलग, एक साथ गले नहीं काटेंगे, वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। ये है बैक पार्ट जैकेट का, और इसके लिए हमें गले की लेंथ और विड्थ चाहिए 2.5 इंच, इधर से भी 2.5 इंच और इधर से भी 2.5। हल्की सी इधर गोलाई दे देनी है और इधर तक हम कट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा जैकेट का बैक पार्ट। अब अगले वाला जो पार्ट है उसे पहले हमें गले की साइड से अलग कर लेना है, बीच में से। इधर की साइड जो हमने गले का निशान लगाया था ना 2.5 इंच बैक पार्ट के लिए, तो इधर हमें 1/2 इंच कम रखना है, मतलब कि 2 इंच, और नीचे वाली साइड से रखना है 3 इंच। और इधर से हमें गोलाई देते हुए इस निशान को यहाँ तक मिला देना है, इस तरह से। ध्यान रहे कि ऊपर वाली साइड हमें लेस लगानी है, इसलिए हमने ना 1/2 इंच कम रखा है बैक पार्ट की बजाय। तो पहले इधर तक हम कपड़े को कट कर लेंगे, क्योंकि दोनों साइड हमारी 1/2 इंच की लेस आ जाएगी तो वो पूरा कंप्लीट उसके बराबर हो जाएगा। ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट और ये हो गया बैक पार्ट। अब जो हमने लेस निकाली थी ना अलग दुपट्टे से, उसे हमें इस तरह से लगाना है। जैकेट का कपड़ा रखना है लेस के अंदर और दोनों साइड लेस रहेगी हमारी, इस तरह से, और एक सिलाई लगा देंगे। अगर आप एक साथ में नहीं लगा सकते हैं तो पहले एक साइड सील लीजिए, दोबारा उसे दूसरी साइड फोल्ड करने के बाद लगा सकते हैं। हमने बैक पार्ट में भी लेस लगाई है। ये तिरछी पट्टी ली है और बैक पार्ट का जो गला है उसके ऊपर हमें सील देना है। छोटे छोटे कट लगाने हैं और दूसरी साइड में पलटने के बाद एक सिलाई लगा देनी है। इसी तरह से हमने दोनों बाजुओं वाली साइड भी हमने तिरछी पट्टी सी ली है और इसे कंप्लीट किया है। अब दोनों साइड से सील कर इसे बंद कर देंगे। तो ये एक हमारी प्यारी सी जैकेट बनकर तैयार हो जाएगी। आप साइज में छोटा या बड़ा इसे बना सकते हैं। आप चाहें तो इधर की साइड डोरी भी लगा सकते हैं या फिर इसे ओपन रख सकते हैं। अब देख लेते हैं अपना अगला आइडिया। इसके लिए लिए है मैंने एक फटी पुरानी बेडशीट। हमने एक कोना पकड़ा है इसका और पूरी बेडशीट को पहले इसे हमें फैला लेना है अच्छे से दूसरे कोने तक। अब इस कोने को हमें फोल्ड करते जाना है और इसकी एक राउंड शेप दे देनी है पूरे की, और जो लास्ट वाला कोना है ना उसे बीचों बीच इस तरह से रख देंगे इसके अंदर। अब इसे रख देंगे हम साइड में, और अब लेना है कोई भी दुपट्टा। ये मैंने लिया है एक जयपुरी दुपट्टा, सिल्की दुपट्टा है। इसे हमने डबल फोल्ड किया है और इसके बीचों बीच रखनी है बेड शीट की, जो राउंड शेप हमने बनाई है। अब बीच में से दुपट्टे का कपड़ा खींचना है थोड़ा सा, उसके बाद जो दुपट्टे का चारों साइड का कपड़ा है उसे हमें इकट्ठा करना है। ध्यान रहे कि जो हमने कपड़ा खींचा है ना बेड शीट के अंदर से, उसे छोड़ना नहीं है, उसे पकड़े रखना है इसी कपड़े के साथ में। सारे कपड़े को हम इकट्ठा कर लेंगे और इस तरह घुमाते हुए हमें दूसरी साइड को निकालना है ये। अब जो हमने कपड़ा खींचा था दुपट्टे का, उसके अंदर ये सारा एक्स्ट्रा कपड़ा इकट्ठा हो जाएगा और दूसरी साइड में ये बॉल जैसी निकल कर आ जाएगी। इसे टाइट से कस देना है, किसी भी रबर बैंड से कस दीजिए या फिर किसी डोरी से टाइट से कस देंगे, और इधर की साइड प्लेट्स बन जाएंगे। तो ये एक प्यारा सा हमारा छोटा सा कुशन बनकर रेडी हो जाएगा, इस तरह से। है ना कितना अच्छा आइडिया। अब चाहे इसे सोफे के ऊपर रखिए, बेड के ऊपर रखिए,
अब देख लेते हैं अपना अगला आइडिया। इसके लिए भी मैंने एक ऊनी पुरानी बेड शीट ली है जिसका मैं इस्तेमाल नहीं करती हूँ। आप चाहें तो इसकी जगह कोई भी कॉटन बेड शीट भी ले सकते हैं। हल्का फुल्का जो कंबल आता है ना छोटे वाले साइज के, उनका भी यूज कर सकते हैं। पहले इसे हमें एक बार फोल्ड करना है और उसके बाद इसे हमें एक बार फोल्ड और करना है। पूरी बेड शीट को हम अच्छे से फैला लेंगे। अब एक साइड से हमें इसे राउंड शेप देते हुए पूरा इकट्ठा करना है, मतलब कि गोल गोल घुमाते हुए पूरे को हमें बंडल जैसा बनाकर तैयार कर लेना है। टाइट से पकड़ना है इसे इस तरह से। उसके बाद इसे रख देते हैं साइड में। और ये हमने एक दुपट्टा लिया है और इसे हमने ना सिंगल बिछाया है, इसे हमें फोल्ड नहीं करना है। अब इस इकट्ठा हुई बेड शीट को हमें रखना है बीचों बीच इसे, मतलब कि दोनों साइड में दुपट्टे का बराबर का कपड़ा रहना चाहिए। और कपड़े के साथ में हमें इस तरह से घुमाते हुए पूरे को कवर कर लेना है। अगर हम इसे डबल करते तो ये दोनों साइड कपड़ा नहीं बचता, इसलिए हमें सिंगल ही रखना है दुपट्टे को। अब दोनों साइड जो कपड़ा बचा हुआ है उसे रबर बैंड से हम टाइट से कस देंगे और उसे खुला खुला कर देंगे कपड़े को, तो ये फूल जैसा बन जाएगा। और ये हमारा एक लॉन्ग पिलो बनकर रेडी हो गया है, बहुत ही प्यारा सा। तो इस तरह से जो हमारे फटे पुराने कपड़े रहते हैं जिनका यूज हम नहीं करते हैं, उन्हें फेंकने की बजाय आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देख लेते हैं अपना अगला आइडिया। इसके लिए एक दुपट्टा लिया मैंने और एक बार फोल्ड करके इसे बिछा लिया। और अब लिया एक कुशन और इसके बीचों बीच हमें रख देना है। उसके बाद हमें दुपट्टे का कपड़ा इस तरह से रखना है कुशन के ऊपर और इसी तरह से दूसरी वाली साइड का। अब जो दो साइड बची हुई है पहले उस वाले कपड़े को भी फोल्ड करना है। अब चौथी वाली साइड है जो वो कपड़ा हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया था, अब इसे हमें अंदर की तरफ फोल्ड करना है जो हमने एक्स्ट्रा लिया है। हमें बस ये हाफ से थोड़ा सा ज्यादा रखना है। अब लेनी है कोई भी मेटल की चूड़ी, कांच की चूड़ी नहीं लेनी है, मेटल की चूड़ी। और कपड़े के साथ इसे पकड़ लेना है हमें इस तरह से दुपट्टे के साथ। अब इसे रबर बैंड से टाइट से कस देना है। तो ये हमारा एक प्यारा सा बटरफ्लाई शेप में कुशन बनकर रेडी हो जाएगा, जिसके लिए ना हमें किसी सामान की जरूरत पड़ी है ना कोई सिलाई की जरूरत पड़ी है, बहुत ही प्यारा सा। अब चाहे सोफे के ऊपर रखिए, चेयर के ऊपर रखिए, इसका लुक भी बहुत ही अच्छा आता है। है ना कितना अच्छा आइडिया। इधर की साइड हमारी डिजाइन आ जाएगी, फूल आ जाएंगे और ये प्यारा सा कुशन बनकर रेडी हो गया। अब देख लेते हैं अपना अगला आइडिया। इसके लिए लिया है मैंने एक शिफॉन का दुपट्टा, तो उसे पहले एक बार हमें फोल्ड कर लेना है और इसे बीच में से हमें कट करके दो पीस कर देने हैं। कपड़े को अच्छे से पहले दुपट्टे को सेट कर लेना है, उसके बाद ही कट करना है ताकि ये कम ज्यादा ना हो। ये हो गए दो पीस हमारे, इन्हें रख देते हैं साइड में। अब लिया हमने एक पुराना प्लाजो, इससे मिलता जुलता, ताकि जब हम इनर के लिए इस्तेमाल करें ना तो वो दिखाई ना दे, इसलिए मिलता जुलता कपड़ा ही लेना है। उसके बाद हमने किनारी कट की और 10 इंच पर निशान लगाया। 2 इंच की हमें एक नेफा के लिए अलग पट्टी कट करनी होगी जो साइड से कपड़ा निकलेगा। पहले इसे कट करके अलग निकाल देते हैं हम। इधर से एक निशान लगाएंगे हम 8 इंच पर और इधर नीचे वाली साइड से भी 8 इंच पर। आप बच्चे के हिसाब से निशान लगाइए कमर के हिसाब से, और इन निशानों को हम मिला लेंगे आपस में, मतलब कि हमें इतना कपड़ा चाहिए। इधर एक 1.5 इंच का कॉलम बना देते हैं जिसकी लंबाई चौड़ाई हमारी 1.5 इंच रहेगी, और इधर हल्की सी गोलाई दे देनी है और कपड़े को कर लेना है इधर तक कट। तो जो हमारा साइड से कपड़ा बचेगा ना उसका हम यूज करेंगे नेफा के लिए। ये हो गए हमारे दो पीस। अब दुपट्टे का एक पीस लेना है हमें और इसमें ना हमें मोटी सिलाई लगानी है। मोटी सिलाई लगानी है दोनों साइड और धागा खींच कर चुन्नटे बना लेनी है। तो मैं आपको लगाकर दिखाती हूँ, क्योंकि मोटी मोटी प्लेट्स तो हम इसकी बन नहीं सकती, ये शिफॉन का कपड़ा है इस तरह से। और फिर धागा खींचना है, दो धागे होते हैं, एक ऊपर वाली साइड और एक नीचे वाली साइड। आप कोई भी एक धागा खींचिए, धीरे धीरे सरकाइए तो छोटी छोटी चुन्नटे पड़ जाएंगी। उसके हिसाब से नाप लेना है जो हमने कपड़े का पीस कट किया है, उसके हिसाब से मैं आपको दिखाती हूँ। दोनों पीस में हमने इस तरह से धागा खींचकर चुन्नटे बना लिए हैं। अब ये जो हमने कपड़े का पीस लिया था उससे हमने दुपट्टे का पीस एक्स्ट्रा लिया, वो मैं आपको बताऊंगी। पहले नाप कर देख लेते हैं, बराबर होना चाहिए। और इधर से हमें सील देना है, ये इधर वाली साइड सीलनी है और इधर पलट कर
हमें इधर की साइड सीलना है, मतलब कि नेफे की साइड बाद में सीलनी है, पहले हमें नीचे वाली साइड। ऐसा करने से जो सिलाई है ना हमारी बाजू वाली साइड है, इधर की साइड की सिलाई, वो अंदर की तरफ आ जाएगी, क्योंकि नेफे वाली साइड सिलाई लगेगी वो तो नेफे में दब जाएगी और वो सिलाई हमारी दिखनी नहीं चाहिए, अंदर की तरफ आनी चाहिए। उसके बाद दोनों पीस हमने तैयार कर लिया। जो 3 इंच का हमने ना दुपट्टे का कपड़ा एक्स्ट्रा लिया था, वो इसलिए लिया था ताकि ये फ्रिल बन जाए, मतलब कि कपड़े से ज्यादा लटकना चाहिए ये थोड़ा सा। उसके बाद हमें दोनों पीस कपड़े के और दोनों दुपट्टे के पकड़ने हैं अच्छे से, और इधर एक सिलाई लगा कर इसे बंद कर देना है। पहले एक साइड सील कर हमें कंप्लीट करनी है, उसके बाद हम इसमें नेफा जोड़ेंगे, ये हमारा एक्स्ट्रा जो फ्रिल जैसी बन जाती है। दुपट्टे का पीस हमने इसीलिए ज्यादा लिया था कपड़े से 3 इंच। सीलने के बाद में हमें नेफा को अटैच करना है इसमें, तो इसे हमें ना उल्टी साइड से सीलना है। मैं आपको दिखाती हूँ, इधर वाली साइड से सीलना है और सीधी साइड में हमें 1/2 इंच कपड़ा को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस सिलाई को दबा देना है इसके अंदर, और पूरे को हमें इस तरह से सील कर रेडी कर लेना है। उसके बाद दूसरी साइड सील देंगे इसकी, इधर वाली साइड। दोनों साइड सीलने के बाद में इसे कर लेते हैं उल्टा। अब रह गई इसकी आसन वाली साइड। अब आसन वाली साइड को सील कर बंद कर देना है, तो ये एक प्यारी सी कैफरी बनकर रेडी हो जाएगी, बैलून कैफरी। लेकिन इसके लिए ना थोड़ा सा सॉफ्ट कपड़ा चाहिए। अब लास्टिक डाल देनी है नेफे के अंदर, बच्चे के कमर के हिसाब से। आज की वीडियो का कौन सा आइडिया आपको ज्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, और आप देश के किस कोने से मेरी वीडियो देख रहे हैं वो भी जरूर बताइएगा। बाय बाय।